अस्सलाम वालेकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स सैलिडे रेजनिक वाल्कर का 10th एडिशन है। चैप्टर 8 है पोटेंशियल एनर्जी एंड द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब आपके पास चैप्टर प्रॉब्लम 11 कंटिन्यूटी है प्रॉब्लम 5 की। पहले प्रॉब्लम 5 का गिवन डाटा देख लेते हैं। 2 ग्राम के आइस फ्लेक्स थे जिनको रिलीज किया गया, इसका मतलब पहले वो रेस्ट पे थे। फ्रॉम द एज ऑफ हेमिस्फीयर बॉल यानी टॉप से रेडियस इसका 22 सेंटीमीटर दे दिया गया है और बाउल और फ्लेक के जो कॉन्टेक्ट है वो फ्रिक्शन लेस है। तो ये मामला हमें पहले पिछले यानी क्वेश्चन नंबर 5 से ये डाटा हमें रिक्वायर्ड था। फिर अब वो क्या मांग रहा है, स्पीड ऑफ द फ्लेक्स मांग रहा है जब वो बॉटम पे रीच करेगा। वो कहता है अगर हम सेकंड फ्लेक का मास डबल कर दें तो क्या स्पीड कितनी होगी। वो कहता है फ्लेक को इनिशियल डाउनवर्ड स्पीड दें तो बाउल में फिर हमारे आंसर में क्या फर्क पड़ेगा। तो ये सिचुएशन है। बिल्कुल आपके पास अगर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लिहाज से देखा जाए तो आप कहेंगे शुरू की टोटल एनर्जी और आखिर की टोटल एनर्जी बराबर होनी चाहिए। काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, शुरू में काइनेटिक थी ही नहीं तो वो जीरो हो गई। पोटेंशियल शुरू में कितनी हो जाएगी, एम जी आर। फाइनल काइनेटिक कितनी हो जाएगी, 1/2 mv2। और शुरू में बाद में पोटेंशियल एनर्जी रहेगी नहीं क्योंकि वो बिल्कुल बॉटम पे आ जाएगा तो एम जी जीरो हो जाएगा। यहाँ से आप देखो ये फैक्टर भी खत्म, ये फैक्टर भी खत्म, इन दोनों में से एम लेके कैंसिल किया जा सकता है तो वी बराबर आ जाएगा 2gr। तो इसमें जी भी लग जाएगा, आर भी लग जाएगा, तो ये 2.08 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। अब अगर आप इस टूल में देखो तो मैस कहीं नहीं आ रहा, तो अगर आप मैस डबल भी करते हो तो वेलोसिटी के फार्मूले में मैस तो नहीं आया, तो इसका मतलब मैस डिपेंड ही नहीं करता। तो आप जितना मर्जी मैस ले लो वेलोसिटी उतनी ही रहनी है 2.8 मीटर। फिर वो कहता है कि अगर हम इनिशियली उसे डाउनवर्ड वेलोसिटी दे दें तो अब इसका मतलब फाइनल काइनेटिक हो जाएगी के आई प्लस यू आई माइनस एफ, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर होगी आपके पास तो फाइनल और बढ़ जाएगी ना, क्योंकि शुरू में तो के आई जीरो रखी थी तो फाइनल में काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का मिलके इसका मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो इसका मतलब फाइनल स्पीड भी बढ़ेगी। तो ये हमारे पास सलूशन है, यानी उसने सिर्फ पूछा था बढ़ेगी कम होगी क्या होगा तो हमने बता दिया बढ़ेगी। तो ये जनाब हमारे पास सिचुएशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।